say the wrong things. Ruined every special moment that I've been in. हेलो मेरे प्यारे भाइयों, उनकी बहनों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे आपके सबके चैनल फायर कैन के ब्लॉग। तो फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे कमाल के न्यू वीडियो में। आपका भाई आपके लिए फिर से एक कमाल का ब्लॉग दोस्तों लेके आ चुका। तो यहाँ पे हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये वही XUV 5W8 है जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके यहाँ पे W11 बनाया। इसका ऑल वाला पिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले का लुक और अभी का लुक। तो इसमें सारा कुछ मैं बताऊंगा, पहले आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि ये गाड़ी सबसे पहले इनको जो मॉडिफाई कराए हैं उनका नाम तो रॉकी भी है। थोड़ा सा इधर आ जाइए फ्रेम में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है रॉकी भी है और रोशन भी, आप भी आ जाइए। तो ये दोनों को तो आप लोग पहचानते होंगे बहुत सारे वीडियो में ये लोग जो है। तो यही दोनों मिलके जो है गाड़ी को जो मॉडिफाई किए, जैसा कि आप लोग पूरी तरह से यहाँ देख रहे, सारा डिटेल्स आप लोग को बताऊँगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं सगन भैया जो यहाँ पे आ चुके हैं, आप भी आ जाइए कैमरे में। तो ये दोनों को तो आप देख ही सकते हैं, पहले वाले वीडियो में भी आप लोग को मैंने दिखाया था। ये दोनों जो है XUV के जो आप ऑनर है, यही लोग हैदराबाद से गाड़ी को यहाँ तक ड्राइव करके लाए सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इसको जो है मॉडिफाई करने के लिए। तो सारा कुछ दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में मैं दिखाने वाला था। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बूम। हाँ दोस्तों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी गाड़ी बनवाने आते या फिर ऐसा दिमाग में ठहर आता है कि ये गैरेज पे ट्रस्ट होगा नहीं, हम लोगों पे ट्रस्ट होगा नहीं। तो यही लोग बहुत लोग सोचते हैं, तो बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो आज ट्रस्ट कराने के लिए आप लोग हम इनसे मिल सकते हैं, ये हमारे कस्टमर हैं। और यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपका गाड़ी जो बनने के बाद यहाँ पर आप संतुष्ट है या नहीं, सेटिस्फाइड है या नहीं हमारे हम लोगों के काम से जो हम लोग आपको काम करके दिए हैं। बिल्कुल संतुष्ट है, काम एकदम गुड कंडीशन में बना दिया है, काम बहुत अच्छा किया है क्योंकि भाई और इनकी भाई ने काम भी बहुत अच्छा किया है। जितना काम करा है एकदम वेल ओके, इसे हम कोई दिक्कत नहीं है, जो काम किया है वो एकदम गुड कंडीशन। हाँ, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, जैसा कि ये लोग बताए थे कि ये हैदराबाद से आया, तो हैदराबाद से आने में आप सुन के चौंक रह जाएगा कि सिर्फ ऑयल इतना ज़्यादा डीजल जला के आया, तो ये थोड़ा सा बताइए। मिनिमम आने जाने का खर्चा डीजल का 12,000, आने जाने का दोनों का 35 लोग खर्च कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं गाड़ी को बनवाने के पीछे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तो हम लोग डिस्काउंट देते हैं, लेकिन 35,000 का मतलब फ्यूल सिर्फ जला रहे हैं यहाँ पे गाड़ी। वहाँ हैदराबाद में ऐसा नहीं कि गैरेज नहीं होगा, लेकिन हैदराबाद से छोटा स्टेट है बिहार, बहुत बड़ा स्टेट नहीं, और यहाँ पे आपका बिहार स्टेट में भागलपुर बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानगंज बहुत छोटा शहर है। तो यहाँ उतना दूर से बनवाने के लिए आए हैं, तो ये अगर सर्टिफाइड नहीं हो सकेंगे तो ये फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। जैसा कि ये बता रहे हैं, और रॉकी भैया से भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपको गाड़ी बना के कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लगा, और इन लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और अभी काम किए हैं इनसे और संतुष्ट हैं ये लोग, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमको ये हमसे अच्छा आप बताइए कि मतलब संतुष्ट आप हैं या नहीं, आप दोनों बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत है गाड़ी में? तो भैया आप लोग जो यहाँ तक आए, तो आप लोग आने का जरिया क्या था? वीडियो देख के ही आए ना? वीडियो देख के आए हैं, और बाकी तो क्या है, यहाँ लोग आने के बाद बहुत पता चला, बहुत अच्छे आदमी हैं यहाँ। क्या क्या लगा यहाँ रहने में? कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत खाने में हुआ वो भी हमने एडजस्ट कर लिया, थोड़ा भी बाहर से अगर आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि ये बता रहे कि खाना, क्योंकि हैदराबाद और बिहार तो वहाँ का खाना और वहाँ का, जैसे कि आप लोग कोई अदर का है, जैसे हम लोग बिहार के हैं, अगर हम लोग बंगाल जाते हैं या फिर हम लोग जाते हैं पंजाब या फिर हम लोग जाते हैं कोलकाता या फिर हम लोग जाते हैं केरला, तो वहाँ के खाने में और यहाँ के खाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि जैसा कि बोला जाता है कि घरेलू खाना और बाहर के खाना में अंतर आता, तो वही ये लोग बता रहे कि थोड़ा बहुत खाने में प्रॉब्लम्स हुई। तो भैया उसके लिए हम लोग आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक आए। तो आपका गाड़ी जो बनने के बाद आपका लुक जो है कैसा लग रहा है? बहुत एवं फड़ू मस्त बना दिया गाड़ी को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को भी। तो आप थोड़ा सा बताइए कि मतलब कितना खर्च में आपका गाड़ी जो बन चुका है और कितना समय लगा, ये सब सारा कुछ आप मेनली देखिए। मेनली W8 से अगर W11 में आप मॉडिफाई करते हैं, तो अगर मतलब टाइम अर्जेंट करना है तो 3 दिन लगेगा, और 2 दिन में भी हो सकता है। लेकिन मुझे सामान पहले से यहाँ पे छोड़ा जाएगा, इसलिए मतलब मंगा करके स्टॉक में रखते नहीं है। लेकिन ऐसा अगर है तो मतलब हम स्टॉक में रख करके 2 दिन में भी गाड़ी को निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपका मॉडिफाई के लिए अगर काम होगा। तो काम जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे सस्पेंशन का, इस गाड़ी में टोटल 5 दिन लग गया, लेकिन इस गाड़ी में आपका मतलब सस्पेंशन का काम था, उसके बाद इंटीरियर में थोड़ा काम था, रियर और फ्रंट में पूरा कंप्लीट सस्पेंशन का पूरा फुल वर्क हुआ, इसलिए टाइम तो थोड़ा इसमें मतलब 5 दिन लगभग लग गया। और
लेकिन जो भी काम था इसमें यहाँ पे पूरा गाड़ी फुल कंप्लीट होकर के गाड़ी इनको हैंड ओवर कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ये मतलब 1600 किलोमीटर से चला करके आए हैं और फिर यहाँ से उतना दूर हो जाएंगे तो फिर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम लोग गाड़ी को बिल्कुल चेक करके डन करके रखे हैं। तो जैसा कि भैया बता रहे थे कि इतना इतना खर्च हुआ, तो आप लोग बताइए कि कितना खर्च हुआ गाड़ी लगा के और कितना एक्स्ट्रा खर्च, जैसा कि आप लोग बताए कि 35 जो एक्स्ट्रा जो कि गाड़ी का खर्च को छोड़ के, मतलब जैसे कि इसका मॉडिफिकेशन वगैरह छोड़ के सिर्फ आने जाने का और खाने पीने का रहने का वो खर्च 35 हुआ, तो गाड़ी में कितना खर्च हुआ टोटल मेरे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। इस गाड़ी में तो बहुत काम, मॉडिफाई के अलावा भी बहुत काम था, वो टोटल मिला के 130,000 था। तो जैसा कि भैया बता रहे कि 130,000 और आप लोग 35 और उसमें ऐड कर लीजिए तो 165,000 यहाँ पे खर्च करके उतनी दूर से आ रहे हैं लोग, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों पे ट्रस्ट है, हमारे लोग पे काम पे जो हम लोग काम करते हैं वो आप लोग फिनिशिंग में आपको गाड़ी भी एक बार चारों तरफ से दिखा दूंगा, जैसा कि भैया बताए कि ये लोग जो सेटिस्फाइड है हमारे काम से। तो अगर आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे आके काम करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि, और आप लोग भी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कृपया हम लोग को पक्का कर दे कि हम लोग आ रहे हैं और ये सब काम को करवाना। तो उससे दोस्तों ये होता है कि जैसे कि आप लोग कोई सामान मंगवाने वाले होते या फिर गाड़ी में आपका कोई सामान चेंज करना होता है तो हम लोग वो चीज़ पहले मंगवा लेते, क्योंकि कोई अगर दूर से आ रहा है तो हमारे लिए इतना दिन रुक रहा है तो उनका भी हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उसका काम जो जल्दी से जल्दी किया जाए। तो मैं आप लोग को एक बार गाड़ी भी दिखा देता हूँ चारों तरफ से, तो वो आप गाड़ी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे जो है फ्रंट से जो है यहाँ पे बैक और फ्रंट यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है, और बैक में जो फ्रंट मॉडिफाई नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रंट में मॉडिफाई हुआ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इंटीरियर में भी आप लोग देख सकते हैं इंटीरियर में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो भी काम होता है वो सब काम आप लोग यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने आप लोग को दोस्तों इस वीडियो में दिखा दिया, दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखा दिया गाड़ी पूरी तरह से। तो आप लोग का अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो नंबर, अगर आप लोग भी गाड़ी बनवाना चाहते हैं तो यहाँ आके बनवा सकते हैं, आपको कुछ स्पेशल दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा और चीप एंड बेस्ट में इंडिया का सबसे चीपेस्ट यहाँ पे आप लोग को दोस्तों काम यहाँ पे किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, ऐसे इंटरेस्टेड देखने के लिए अपने चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।